नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं लौकी का कोफ्ता, जिसके लिए चाहिए हमें फ्रेश लौकी। इसे हम कद्दू भी कहते हैं। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। हमने ग्रेट कर लिया कद्दू। अब इसका हम पानी निकालेंगे, अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा के इसका पानी निकालेंगे। सारे इसी तरफ दबा के हम पानी निकाल लेंगे, जितनी पानी निकल सके। देखिए, हमने पानी निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, दो तीन कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, बेसन डालेंगे हम अपने कद्दू की क्वांटिटी के हिसाब से। बेसन डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, एक छोटा चम्मच। अब इसे हम किसी बड़े चम्मच से मिलाएंगे, अच्छे से हाथ से भी मिला लीजिए इसे। हमने दो बड़े प्याज काट के रखा हुआ था फाइन चॉप करके, उसमें से थोड़ा सा इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम रखेंगे ग्रेवी के लिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसका हम कोफ्ता बनाएंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इसे हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बड़ा बड़ा बनाएं या थोड़ा छोटा बनाएं, लंबे आकार में बनाएं या गोल आकार में बनाएं, आपको जैसे पसंद हो। सारे कोफ्ते बना लीजिए। ये हमारा कोफ्ता एक तरफ से ब्राउन हो गया है, इसे अब हम पलट लेते हैं। अच्छे से इसे भून लेंगे, मध्यम आँच पे भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। हमारे सारे कोफ्ते बन गए। अब इसे हमने पहले से जो बना के रखा हुआ है उसे भी हम तल लेंगे। ये देखिए, ये हमने पहले से बना के रखा हुआ था, इसे भी हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये हमारा कोफ्ता बन गया, रेडी हो गया। अभी हमारे कढ़ाई में तेल ज़्यादा है, इसे हम तेल कम कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, इसे हम भून लेंगे। जीरा को चटकने तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी हींग, कसूरी मेथी एक छोटा चम्मच, अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं डालें। ये दो तीन लौंग, दो इलायची, थोड़ा सा सौंफ हमने क्रश करके रखा हुआ था वो हमने डाल दिया। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और इसे भूनेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे इसे हम, अच्छी तरह से प्याज को पकाएंगे हम। प्याज अच्छी तरह से पकेगा नहीं तो उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट एक छोटा चम्मच और इसे भी हम प्याज के साथ पकाएंगे। ये हमारा प्याज अब भून गया है, इसे थोड़ा और भूनेंगे हम। ये देखिए, हमारा प्याज भून गया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, लहसुन और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा एक चम्मच जीरा, काली मिर्च, दो टमाटर, ये पेस्ट हम डाल दिए। अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा कलर के लिए, मिर्ची पाउडर भी डालेंगे इसमें थोड़ा सा तीखापन के लिए। अब इसे हम भूनेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डाले हैं हम, आप चाहें तो अपने हिसाब से मसाला डाल सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो। इसे हम ढक देंगे, हमारा मसाला भून गया है। बीच बीच में हमने इसे 5 मिनट तक भुना है चलाते हुए ढक ढक कर। अब इसमें हम बेसन का पानी डालेंगे, जिस बॉल में हम कोफ्ते बनाए थे वही पानी डालें। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, जितनी पतली गाढ़ी रखनी हो। इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही होनी चाहिए, क्योंकि कोफ्ता जाने के बाद ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। हमारा ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, चला लेंगे हम। अब इसमें हम कोफ्ता डालेंगे, हल्के हाथों से डालेंगे नहीं तो कोफ्ता टूट जाएंगे, सारे कोफ्ते इसमें चले जाएंगे। ये देखिए, सारे कोफ्ते हमने डाल दिए। अब इसे हम आराम से चलाएंगे धीरे धीरे, और इसे
इसी तरह खुला ही ढकेंगे नहीं, 2-3 मिनट हम पकाएंगे इसे चला चला के, चलाते रहेंगे हम। ये हमने 2-3 मिनट पका लिया, ये हमारा कोफ्ता अब रेडी हो चुका है। 2 मिनट और लगेंगे इसको, इसमें हम थोड़ी सी 3-4 हरी मिर्च डालते हैं, आपको पसंद हो तो डालें नहीं तो नहीं डालें। ये हमारा कोफ्ता रेडी हो गया, हमने गैस बंद कर दिया। ये देखिए हमारा कोफ्ता रेडी हो गया, अब इसे आप चावल या रोटी या चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार एंड थैंक यू।